रहीम, मेरा नाम है अदिल बबर और आइए आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो आज की वीडियो कुछ ये है कि आज हम लेके हैं अपने मास्टर केज के लिए हीटर। तो आज आपको दिखाएंगे हीटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो जो लेके हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो में आपको सारा पता चल जाएगा। जी तो दोस्तों, चचू ये लेके हैं हीटर पैनासोनिक का और ये हमें आया है तकरीबन कोई 4,500 में। तो आइए देखते हैं कैसे चचू इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा, तो आप भी मेरे साथ रहिएगा और देखते जाएं कैसे कैसे चचू करते हैं। जी तो दोस्तों, पहले तो हम लेके आने लगे थे जो
वो दुकानदार ने हमें चेक करवाया था जो सही मकर सब कुछ इंस्टॉल हुआ था जो, तो वो कह रहा था कि ये ले जाओ जाके ऐसे लगा लो। फिर हमने कहा नहीं नहीं हमें दो डब्बा पैक, तो हम जाके खुद ही अनबॉक्स करेंगे और खुद ही मकर इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें भी पता चले किस तरह ये इंस्टॉल होता है और हम अपने दोस्तों को भी दिखा सकें ये कैसे इंस्टॉल होता है। तो इसलिए हमने वो नहीं लिया, तो हम ये बॉक्स वाला लेके आए जिसके डब्बा पैक था। तो हमने कहा हम अपने व्यूवर्स से दिखाएं ताकि अगर कोई ले के आया है तो उसको परेशानी ना हो बनाने में, मतलब इंस्टॉल करने में कोई मसला ना हो, इसलिए हम ये लेके आए और ये आपको दिखा रहे हैं कैसे इंस्टॉल हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। तो ये चाचू ने प्लास्टिक इसके ऊपर रहने दिया था कि ये सेव हो जाए, क्योंकि सर्दी तो 2-3 महीने रहती है उसके बाद तो ख़त्म हो जाती है। फिर ये है कि इसको हम सेव कर लेंगे अगले साल के लिए, फिर अगले साल जब सर्दी पड़ेगी अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर लगाएंगे। तो आइए इसको अब चेक करते हैं कि सही चल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि इंस्टॉल तो कर लिया है, सब कुछ लगा लिया है, सब कुछ सही मके बना लिया, अब देखें चलता है कि नहीं। और ये देखें जी चेक करते हैं क्या सीन है इसका, दूसरी में लगा के देखते हैं जी। ये घूम रहा है और ये वाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो अभी हम इसको ऊपर लेके आए हैं और इसको रखेंगे मास्टर केज के अंदर और फिर इनको इसको अंदर जाके चलाते हैं और फिर इसका देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये लेना चाहिए कि नहीं। तो फ़िलहाल हम तो ले आए हैं, उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आया होगा, आएगा इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट ही आएगा। तो अभी हम इसको अंदर जाकर लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों कुछ ये है इसका सीन, और इसमें दो किस्म के फंक्शन हैं। एक तो ये घूमने वाला है और दूसरा ये है कि ये कम ज़्यादा भी हो जाता है, यानी कि 200 वाट का भी हो जाता है और 400 वाट का भी हो जाता है। ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कब तक इसको यूज़ करना चाहते हैं, कैसी कैसे टेम्परेचर में यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। तो माशाल्लाह ये अच्छा है और इसकी हीट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये माशाल्लाह, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो ये बहुत ही कारामद चीज़ है, जैसे जैसी दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे चीज़ें नई नई आ रही हैं और हम इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये देखें जी काफ़ी अच्छी साबित रही है चीज़ ये वाली।
जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो हमारी वीडियो का मकसद था वो आपको कैसा लगा, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है काफ़ी, तो इसलिए मैंने कहा कि हीटर ले कर आएँ और हीटर लगा दिया है। अब हमारे तोते जौन से हैं, परिंदे जौन से हैं, जो जो भी मास्टर केज के अंदर हैं वो आराम से रहेंगे अपनी मर्जी से। जी तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।